तो भाई लोग स्वागत है यार। आज हम फिर से खेल रहे हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। यार इस गेम के ग्राफिक्स ना भाई मुझे बहुत ही पसंद है। इस गेम के ग्राफिक्स भाई इस गेम में जान डाल रहे हैं यार। कभी यार इसे मत खेलो, ऐसे ना खेलो ऐसा लगता ही नहीं है यार। तो चलिए चलते हैं। अब हमको लोकेशन दी गई है, उस लोकेशन पर जाते हैं और क्राइम को होने से रोकते हैं भाई। तो इस होता क्या है भाई गेम में बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें क्राइम्स को रोकना है और रॉबरी करने से भी रोकना है गाइस। यही तो करना है हमें इस गेम में। तो पिछली बार गाइस हमने इलेक्ट्रो को ढो डाला था और उसने कहा था कि मैं वापस आऊँगा। तो हमने कहा था वापस आता है तो आ बे, कौन डरता है तेरे से। तो अपन डरता नहीं है किसी से भाई, आपको पता ही है। आपका भाई ना डरता है और ना किसी भाई डरन देता है। ओ भाई ये क्या बोल रहा हूँ। तो इस गेम में गाइस हम इस बार कौन से बॉस से लड़ने वाले हैं मुझे नहीं पता है। तो देखते हैं, यहाँ पे इनकी बातचीत सुनते हैं। और यहाँ पे भाई एक पुलिस वाला है और इतने सारे गुंडे, ये तो भाई ना इंसाफी हुई ना इसके साथ। तो इसकी बेस की टांग इन गुंडों की भी मारते हैं। इनकी बातचीत तो मैंने सुन ली है, बस हमें उन दो लड़कियों को बचाना है वहाँ से। और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यार अगर पुलिस ने कुछ करा तो गुंडों मार देंगे ना भाई, यही तो होता है हर सीन में। तो कैसे भी करके हमें उस, अबे भाई ये आग ही हमें नुकसान के पहुंचा रही है इसकी बेस की। रुक रुक रुक, रुक मार मत मार मत यार, इसके एक डंडे में हमारी जान कम हो जाएगी भाई, कुछ बोल नहीं सकते। तो इनको मैं कैसे भी करके मुझे मारना ही है। और मुझे एक और एक आज नई स्किन अनलॉक करनी है, बस उतने पैसे हमारे पास नहीं है यार। तो पैसे हो जाने पर हम वो नई स्किन भी अनलॉक कर देंगे, दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो इन गुंडों के भाई शमशान घाट में पहुँचाता हूँ मैं, तेरी बेस की मुझे लात मारेगा बे भाई साहब। ये भाई भर भर के गुंडे और इनकी हेल्थ भाई ख़त्म ही नहीं हो रही। तो देखते हैं इनको जा भाई, स्क्रीन में क्या होता है ना मैं बताता हूँ, टैप की आवाज़ आ जाती है यार। मुझे पिछली बार कमेंट में एक लड़के ने कहा कि भाई आपके स्क्रीन पर गेम खेलते हो तो तब तक आवाज़ आ जाती है। तो भाई वो ये है कि मैं जब यहाँ पर मारता हूँ ना तो भाई अंगूठे से आवाज़ बहुत ही हो जाती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना यार। तो यहाँ पे इसके बेस के यहाँ तो हमारा पावर जो है वो हो चुके हैं भाई 59% हो चुके हैं। और यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मार रहा है ये। और ये मैंने एक नई स्किन यहाँ पे अप्लाई की है, तेरी बेस की टांग मुझसे भिड़ेगा, स्पाइडरमैन से भिड़ेगा भाई। यहाँ पे भाई स्पाइडरमैन का रोक पूरी सिटी में हमने जमा दिया है भाई, तो उसी का अपन को कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे गाइज हमने जो है दो लड़कियों को छुड़ा दिया है, फाइट तो भाई एकदम मैंने तगड़ी करी है। तो गाइज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे हमें करना क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इससे बातचीत कर ली है। तो यहाँ पे गाइस ये क्या हो रहा है भाई। तो यहाँ पे गाइस हमने जो हॉस्टेज है उसको बचा दिया, बचा लिया है, रेस्क्यू कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए, यहाँ पे हमने 10% जो काम है अभी किया है आपके सामने ही। तो ऐसे ही मुझे काम करता रहना होगा, रॉबरीज को रोकना होगा, क्रिमिनल्स को मारना होगा। इससे ही गाइज, इससे ही बताता हूँ मैं, इससे ही जो है वो 100% हो जाएगा और एक नया बॉस अनलॉक हो जाएगा और फिर हमें उसे धो डालना होगा। तो देखते हैं, मिलते हैं आपको भाई वो पूरा 100% करके। क्योंकि यार अगर मैं वो पूरा करते बैठूँगा तो भाई टाइम वेस्ट होगा, मतलब यार वीडियो लंबी हो जाएगी यार। तो जो जो फ़ायदे वाला ही वही मैं आपको दिखाऊंगा। और आप अगर ये गेम खेलोगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर ये फ्री में चाहिए रहेगी तो मैं फ्री में भी प्रोवाइड कर दूँगा, बस मुझे कमेंट्स में बता दियो, मैं उसका भी वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर भाई ये इतनी ऊँचाई पर फ़ोटो खींच रहा है भाई, केयरफुल भाई केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, मरना है क्या भाई। तो यहाँ पे गाइस इनकी बातचीत हो रही है। तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच रहा हूँ और तुम कैसे उड़ते हो, तुम कैसे ये फ्लाई करते हो, इसके ही फ़ोटो खींच रहा हूँ मैं। और यहाँ से भाई एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा आता है कह रहा है। अब ये ब्यूटीफुल के चक्कर में तू गुल हो जाएगा भाई दुनिया से, तो तेरी बत्ती गुल हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं टेक केयर, वाई नॉट। और ये पूछ रहा है कि तू मेरे साथ सेल्फी लेगा, लेगा ना भाई सेल्फी तो मैं हर एक के साथ लूँगा। तो बस यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं भाई। ये एंगल बराबर नहीं आ रहा, ये एंगल बराबर आ रहा है भाई। तो ये एंगल से ले लेते हैं फ़ोटो और इसे सेव कर लेते हैं, ये खुश हो जाएगा भाई बंदा। तो इसका नाम गाइस है एडी ब्रॉक नाम है इसका शायद से। तो तेरी भैंस के आप तो संभाल के करियो वरना तो फोड़ दूंगा। तो चलिए गाइस आपको ना 100% काम करके ही मिलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया भी नहीं करूँगा मैं। और यहाँ पर फ़ोटो भी खींच सकते हैं भाई हम उड़ते हुए, ये बढ़िया है भाई, ये बढ़िया है भाई। लोग मैं एक स्टंट करने वाला हूँ जो गाइज अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो अमेजिंग स्पाइडरमैन करता है ना वही स्टंट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, बस वो हो जाना चाहिए यार। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हम ज़ोर से गिरेंगे और गिरते भाई उठेंगे ज़ोर से यार,
वो वाला स्टंट करना है और नहीं हो पाया, एक बार फिर से ट्राई करेंगे भाई, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो फटाफट जल्दी से हम जो है ऊपर चले जाते हैं, फटाफट 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 भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास, और जो हमने दी गई लोकेशन है वो भी हमारे पास में ही है, तो इस बार हो ही जाना चाहिए भाई, फेल मत होइयो, फेल मत होइयो भाई साहब। ये वाला गदर वाला स्टंट हुआ है भाई, इस स्टंट के लिए 1 सब्सक्राइबर्स और 10 लाइक तो बनते हैं भाई, प्लीज़ करा दो यार, इतना भी क्या भाई अकड़ रहे हो, प्लीज़ कर दो यार। तो भाई लोग एक साइंटिस्ट है यार, तो साइंटिस्ट है, हमें साइंटिस्ट एक लड़की है, उसे हमें मिलने जाना है, तो मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ था, तो उसकी लोकेशन हमें दी गई है, उसे उसके पास जाते हैं और बात करते हैं यार, दिक्कत कहाँ पे आ रही। और यहाँ पे कुछ तो क्या चमक रहा है, तो ये ले लेते हैं। और ये भाई एक ही जंप में मैंने कलेक्ट कर लिया है यार, भाई दिन ब दिन मेरी गेम जो है बेहतर हो रही है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं उस साइंटिस्ट के पास और देखते हैं उसने कुछ तो इन्वेंशन किया है जिससे कि हम उससे रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो साइंटिस्ट है, उससे बात करते हैं। और भाई साहब ये जो गिरने में जो फीलिंग है भाई, इसमें कहाँ पे भी नहीं है, किस गेम में भी नहीं है। तो यहाँ पे भाई मैं अमेजिंग हूँ यार, वो कह रही तो अमेजिंग हूँ, इसीलिए तो नाम अमेजिंग रखा है। तो यहाँ पे इससे बातचीत करके हो चुके हैं। और यहाँ पे गाइज इसने वो हम जो जिसे कहते हैं भाई फ्लाइंग रोबोट है, तो उससे हमें रेस करनी है। और यहाँ पे चेक पॉइंट दिए गए, इसे हमें क्लियर करते हुए जाना है। और जो ड्रोन है वो गाइज हमारे पीछे ही है, तो यार ऐसे फालतू ड्रोन से यार मैं तो कभी हार नहीं मानता, आपको पता ही है। तो ये तो भाई मेरे लिए 2 मिनट का काम है। और जो एक चेक पॉइंट वो मिस हो गया गलती से, तो अपनी तारीफ करते करते, वो कुछ नहीं, एक चेक पॉइंट उन्होंने ज़्यादा दिया गया है हमारे लिए, तो वो भी क्लियर करेंगे भाई। और जो भाई मज़ा है ना ये गेम खेलने के लिए, वो गेम इस जैसी गेम की मज़ा कोई सी और गेम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे शायद से हमारे जो रेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलते हैं उस साइन। तो भाई लोग यहाँ पे गाइस एडी ब्रॉक खड़ा हुआ है, जो कि कैमरा मैन था गाइस, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे फोटो काट रहा था हमारी ना, वो खड़ा है यहाँ पे। तो इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है मेरे पीछे पीछे आओ, आपको कुछ दिखाना है। तो यार चलते हैं इसके पीछे पीछे, देखता है ये करता क्या है भाई। अगर इसने कुछ शरारत की तो इसका वहीं पर ही मत्ता फोड़ दूंगा। नाम क्या है भाई हमारा, द अमेजिंग स्पाइडरमैन ना। तो ये आगे जाने के लिए कह रहा है क्या भाई, तू पहले भाई इसे ही आगे जाने देते हैं, ये कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं। तो भाई ये जाना कहाँ चाहता है यार, चलो भाई एक बार जाके देखते हैं। यार ये बहुत बहुत ही लंबे ले जा रहा है हमें, बहुत ही दूर ले जा रहा है। तेरे बेस के रुक तू यहाँ पे भाई, ये कुछ तो करेगा यार, मुझे इसकी शक्ल बहुत पसंद ही नहीं है। और यहाँ पे इसने गुंडे बुलाए और ये हमें मारने के लिए बोल रहा है यार, इसकी बेस की ये तो पलट गया है भाई, 2 सेकंड में पलट गया है ये तो। अब नहीं छोड़ूंगा इसकी बेस की टांग, इनकी गुंडों की बेस की, तो रुक बे तो भाई, मैं हर बार को एक ही गुंडा लूँगा और उसे ही ख़त्म करके फिर दूसरे गुंडे के पास जाऊँगा, ताकि भाई इससे लोड भी कम होगा और जल्दी मरेंगे भाई, और टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तेरी बेस की टांग तू क्यों इधर मार रहा है। तो ये भाई ये फ़ोटो खींचना चाहता है यार, ये फ़ोटो के लिए कुछ भी करता है, जो कि एडी बॉयज गाइज हमने इसमें भी देखा है स्पाइडरमैन मूवी में, कि भाई वो जो फोटोग्राफर है वही आखिर में विलन बन जाता है भाई। तो मुझे भाई इस पर शक आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं गाइज इसे भी टपका देंगे। गेमिंग बुल भाई किससे डरता है क्या यार। तो इसकी बेस की इसे भी ख़त्म कर देता हूँ और अब चलता हूँ उसे पकड़ता हूँ। तेरी माँ भाई, गाली पे कंट्रोल, अब रुक तू, तुझे पकड़ता हूँ तेरी बेस की टांग। भाई अभी बताया एडी ब्रॉक, और मैं तब से भाई ये डबल क्यों पूछ रहा है यार, वहाँ पे ऊपर फोटो खींच रहा था तब तो इसने पूछा था भाई, नाम सच में कह रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे गाइस स्टोरी को जो है अब आगे ढकलते हैं इसके, भाई इनके जो मोहब्बत की स्टोरी है वो हमें सुनने में कोई ये नहीं है भाई, क्या कहते हैं उसे, इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैंने 51% काम किया हुआ है, तो चलिए गाइस 100% करके ही मिलते हैं भाई, दिक्कत कहाँ पे आ रही है यार। तो भाई लोग हम यहाँ पे एक जेंटलमैन से बात करना चाहते हैं, शायद से गाइस इसकी जो गाड़ी है ना वो चोरी हो चुकी है। तो यहाँ पे गाइस इससे पूरा बातचीत करते हैं। तो ये कह रहा है कोई तो तुम्हें मैसेज दे रही है, मैसेज भेजा है। तो ये कह हम कहते हैं भाई कौन है वो, तो ये भाई इसका नाम भी नहीं जानता। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, आप कह रहे होंगे भाई इतना फास्ट क्यों ट्रांसलेट ऐसे ट्रांसलेट कर पा रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे ओके लाइक दिस गोइंग वॉज टू मैसेज, तो यहाँ पे शी वॉन्ट्स मी टू टेल यू दैट शी राइट्स बिहाइंड यू, ओके वो हमारे बिहाइंड में है, आसपास में ही है। तो उससे बातचीत करते हैं भाई, और शायद से यही है गाइज वो,
जिससे हमें बातचीत करनी थी, तो ये कहाँ पे जा रहे हैं इसे देखती हूँ। भाई बहुत ही सिक्सी लग रही है यार, मजाक कर रहा हूँ। तो इसके पीछे 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 जानती है, और ये कुछ तो गिरा रही है शायद से, तो इसे कलेक्ट करते हुए जाना है। लेकिन मैं जितना हो सके उतना ही कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जितना होता है उतना ही कलेक्ट कर पा रहा हूँ। और भाई इससे शायद से अब मेरी जो है बात हो रही है। तो भाई ये शो भाई ब्लैक कैट है गाइस, ये मैंने इसे देखा हुआ है मूवी में। और भाई ये इसमें भी वैसे ही दिखती है यार, भाई मज़ेदार है यार गेम ये, तो बहुत ही आगे आगे फनी गेम होती जा रही है, मज़ेदार होती जा रही है। तो भाई इससे जो है पूरी बात सुनते हैं और देखते हैं ये कहना क्या चाहती है। भाई ये हमें मैरी कह रही है, बैस की टांग तू मैरे भे। और यार ये गेम जैसे ही खेलते जा रहे हैं ना भाई, वैसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक बार आप प्लीज़ यार ट्राई करके देखिए, गेम खेल के देखिए, नहीं मज़ा आएगा तो मुझे बता देना भाई, मैं भी ये गेम खेलना बंद कर दूंगा। तो गाइस थोड़ी आपको वॉइस सुने आती होगी तो वो उसे इग्नोर कीजिए यार, यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे इसी की बात सुनते हैं पूरी और देखते हैं भाई ये करना क्या चाहती है। और भाई ओ भाई साहब यार, कितने फास्ट सुपरमैन की तरह उड़ के गई यार ये। भाई अपन को भी ऐसा होना चाहिए, अपन इतने फास्ट नहीं जाते यार, अपन ऐसे इसकी स्पीड में जाते, इतने फास्ट नहीं जाते। मरु कोई नहीं यार, उससे ज़्यादा पावर हमारे पास में ही है, तो अपन टेंशन नहीं लेता। तो भाई लोग यार अपना 90% काम हो चुका है, बस 10% ही काम रह चुका है, तो वो भी हो जाएगा। बस इस गुंडे को मारते ही मुझे लगता है अपना जो 10% काम है वो यही पे हो जाएगा भाई। तो उनको वो एक एक करके मारूंगा गाइस, क्योंकि अगर एक को ही मारते रहेंगे तो फिर वो जल्दी मरेंगे भी, और अगर हर एक को मार मतलब यार सबको मारते रहेंगे एक साथ तो वो मरेंगे नहीं। तो इसीलिए भाई एक एक को ख़त्म करूँगा, और जल्दी से भाई मुझे बॉस से लड़ना है यार, क्योंकि गाइज बॉस से लड़ना ही मुझे, मतलब बॉस को लड़ना ही भाई अच्छा लगता है यार, इन गुंडों से कौन लड़ना चाहता है यार। तो इनको ख़त्म करता हूँ झट से और चलते हैं बॉस के पास। भाई मैं अगर एक कहना चाहता हूँ, मैं तब से कह रहा हूँ भाई ये गेम खेल के मज़ा बहुत आता है, एक बार आप भी ट्राई कर देना। और गाइज मेरा जो कॉम्बो है वो पूरा हो चुका है, और अब जो मेरी पावर है वो बढ़ चुके हैं, अब तो मैं गुंडों को गाइज बहुत ही आराम से ख़त्म कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो ये भाई साहब ये भाई चार ही गुंडे रह चुके हैं और मैं इनको ख़त्म कर दूँगा। बस ये वाला जो है ना गाइज, इसके हाथ में जो हथियार है, ये गुंडा भाई बहुत ही स्ट्रांग है, इसके दो वार में ही गाइज हम मरते हैं भाई, हेल्थ तो रहती नहीं। और ये मैं मेरी सुपर पावर इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे सुपर मूव कहते हैं गाइज इसे, पावर कह रहा हूँ यार, सुपर पावर तो पहले से ही है मेरे पास। ये मैंने दे मारा हूँ भाई साहब, और पूरे जो क्रिमिनल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और शायद से यहाँ पे हमारा लेस की स्पाइडरमैन डू यू गेट सम सेटिस्फाइंग रश आउट ऑफ बीइंग पेस्ट। तो भाई ये जो LSKE है यही गाइस मेन विलन है, तो इससे पूरी बात करते हैं। एक्चुअली बीइंग अ पेस्ट इज जस्ट माई डे जॉब अंटिल माई स्टैंड अप कॉमेडी करियर टेक्स ऑफ। ओ भाई ये स्पाइडरमैन जो है ना भाई बहुत ही फनी गाय है यार, इसके अब पुंगे बजाता हूँ, ये भाग रहा है भाई। तो यही गाइस न्यूयॉर्क सिटी का ड्रग डीलर है ना ये, इसकी बेस की टांग भाई, मिशन भाई फेल नहीं होना चाहिए यार। तो यहाँ पे गाइस मैं बहुत ही फास्ट यार, ये सोच भी नहीं सकता इतनी फास्ट मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये भागने में बहुत ही तेज है भाई। भाई ये विलन लगता नहीं है, मगर गाइस ये विलन हो चुका है भाई, दोहला सा बद्दा सा आदमी है ये, इसे मार दूंगा यार मैं, सच में बता रहा हूँ ख़त्म कर दूंगा। ये मेरे मगज में जा रहा है, समझ के मगज में जा रहा है, घुस रहा है ये, तो उसे छोड़ेगा नहीं, मैं फोड़ ही डालेगा सारा। तो यहाँ पे चलते हैं, और भाई चेक पॉइंट जो है वो हमें भाई ये नहीं करना है, मिस नहीं करना है, वरना जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कम हो जाएंगे शायद, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन भाई इसे तो मैं भाई बहुत ही तेज़ चल रहा है यार हेलीकॉप्टर, और मिस हो गया है गाइज, एक चेक पॉइंट जो है वो मिस हो चुका है, मगर एक चेक पॉइंट भाई गाइज बड़े के भी आ चुका है भाई। तो चेक पॉइंट जो है मिस नहीं करना है हमें कुछ भी करके। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे मैं हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता हूँ ज़ोर से, और भाई गिरा ही देता हूँ यार एक बार इसे नीचे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ चुका है, बस अभी यहाँ पे हमें फास्ट में टैप टैप करते जाना है, फिर जो है हेलीकॉप्टर गिर पाएगा, वरना तो नहीं गाइस। और ये बहुत ही भाई साफ, और इसके बैग जो गई नीचे गिर चुके हैं, इसे ले लेते हैं गाइस। तो बैग को जो है हमने ले चुका है, बस अभी हमें जाके LSKE को मारना है, बस देखना है कि LSKE जो है वो कहाँ पे जा चुका है। तो यहाँ पे टकला है गाइस, यही पे लोकेशन बता रहा है, तो उस टकले के पास। और भाई किसका तो इंतज़ार कर रहा है, नोबडी इज़ योर, तो गाइस कोई एक किसी गैंग का इंतज़ार कर रहा है, तो वो इसे ही दग देगा शायद से। और गाइस पीछे से जो है हम टपक पड़े हैं, तो गाइस आज फोड़ ही डालेंगे भाई, रुकने वाले तो हैं ही नहीं आज हम। तो इनकी जो बातें हैं ये डायरेक्ट ख़त्म ही करते हैं। तो गाइज़ हमने जो इसे फंदे में जो है जकड़ लिया है, तो हमें उस पर ऐसे अटैक करता रहना होगा, वरना तो ही ये जो फंदा है गाइज ये पूरा हो पाएगा, मतलब
इसी वेब में भाई, और यहाँ पे गाइस बंदे भी हैं। तो ओके गाइस मुझे समझ में आ चुका हूँ, तो हमें बंदों को मारते मारते ही उसे जो है जाल में फंसाए रखना है, वरना तो वो छोड़ के भाई भाग जाएगा यार, और फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि गाइस वो मोस्ट ड्रग डीलर भाई सिटी का है, वो गाइस बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर है, और वो हथियार भी बेचता है भाई गैरकानूनी। तो उस गैरकानूनी हथियार से हमें रोकना होगा, तो इसकी बेस बताऊँगा। और यहाँ पे कितने गुंडे आने वाले हैं वो भी हमें नहीं पता, जब तक गुंडे ख़त्म नहीं होते तब तक हमें मारते ही रहना है भाई। तो देखते हैं इसके कितने गुंडे भाई, रॉकी से कम ही होंगे भाई, मतलब रॉकी भाई से, यार मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइज फोड़ ही डालेंगे आज पूरा। और गाइज मुझे जो भाई ये भाग रहा है भाई, ये भाग रहा है भाई भाई भाई, भाई, भाई। इसका थोड़ा ही रह चुका है वेब, तो इसे फुल करते रहे, क्योंकि अगर ये भाई भागा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइज ये भाई अटैक कर रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गाइस इसे जाल में हमारे फंसाए रखना है, वरना तो ये भाग जाएगा भाई। तो यहाँ पे पूरा मैंने फुल कर दिया है, अब जो है अब मैं इनको ख़त्म करता हूँ भाई, अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और मैं इसके पास में ही रहूँगा ताकि हमें समझ जाएगा कि ये छूट चुका है भाई। तो यहाँ पे गाइस मैंने दो बंदों को तो दूर कर दिया है रास्ते से, मतलब दो गुंडों को, अब बाकी जो है वो देखते हैं हो पाते हैं नहीं। और यहाँ पे गाइस पूरा गाइस मैं जो है नवी स्किल भी जो है अप्लाई करूँगा यहाँ पे, बस गाइस उतने मेरे पास पैसे होने चाहिए यार, और ये फिर से भागेगा यार, ये एक अलग ही दिक्कत हो चुकी है। तो आज से दो ही बंदे रह चुके हैं, तो इन दो बंदों को भी फटाफट ख़त्म करता हूँ, और भाई डायरेक्ट अलिस्के से ही लड़ता हूँ गाइस। तो अलिस्के को मैंने कैसे जैसे जैसे तैसे भाई रोक रखा हूँ, बस यार ये जो गुंडे हैं ख़त्म हो जान दो, और भाई ये जाला तोड़ के भाई वेब तोड़ के भाग ना जाए भाई। तो यहाँ पे गाइस कैसे तैसे करके मैंने भाई इसे भाई जकड़ा था, मगर ये छूट चुका है गाइस। लेकिन भाई हम भी स्पाइडरमैन है भाई, किसी से कम है क्या भाई, हम फोड़ डालेंगे यार, छड्डा का नहीं भाई मेरे हाथ से। तो देखते हैं गाइस ये जाता किधर है भाग के। तो इसे तो गाइस मैं बीट कर ही दूंगा भाई, क्योंकि गाइस ये कोई सुपर विलन भी नहीं है, इसमें कुछ पावर भी नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है। तो बस मुझे देखता है ये जा कहाँ रहा है भाई, तो शायद से भाग नहीं रहा भाई, ये हमें मारने के लिए आ रहा है। और भाई उसके हाथ में क्या है भाई, ये देखना है बस हमें। और गाइस मैंने इसे अगर बीट कर दिया आज में ही, तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना यार। तो गाइस ये इसे मैं मारने ही नहीं दूंगा यार, तेरे बेस की टांग तू रुक यहाँ पे। तो इसके गाइस आज तो मैं इसे भाई छोड़ूंगा नहीं, पूरा सब मार ही दूंगा, क्योंकि गाइस ये सुपर भाई। और या तो करंट देता है भाई, ये देखिए भाई इसका जो हथियार है ना गाइस, ये करंट दे रहा है भाई। लेकिन कोई नहीं, मुझे इसका उपाय मिल चुका है गाइस, इस जो हमारा जो ये वेब है ना गाइस, ये ज़्यादा डैमेज देता है। ये देखिए ये जो ये वाला अटैक करता है ना गाइस, ये स्किल गाइस मैंने स्पेशली खरीद रखा है, अनलॉक कर रखा है गाइस कॉइन से। तो इसके लिए गाइस ये यार यूज का जो वेपन है ना गाइस, ये इसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहा है यार। मगर कोई नहीं गाइस, हम भी इसे भाई, हम इसके दादा हैं गाइस, इसे फोड़ डालेंगे यार। तो इसे गाइस मैंने मार दिया है, और ये भाई अरेस्ट भी हो चुका है। और गाइस जैसे जैसे हम जो लेवल कंप्लीट करते जा रहे हैं, वैसे वाइज गेम डिफ़िकल्ट भी होती जा रही है, और डिफ़िकल्ट हो भी रही है, और भाई मज़ा भी बहुत आ रहा है गाइस। तो ये कह रहा है प्रिजन में मैं तुम्हारे जो शब्द हैं वो भाई वन बे वन में इट कर जाऊँगा, और मैं छूट जाऊंगा भाई। तो ये कह रहा है उसके साथ सॉस भी लगाना। ओ भाई ये जो स्पाइडरमैन है ना भाई, अपना स्पाइडरमैन, ये बहुत ही मज़ा किया है यार। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं करना क्या है भाई, बस ये छूट ना जाए। तो गाइस इसे जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके ले चुका है, जा चुकी है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें गेमिंग बुल को, और लाइक और शेयर भी करें। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।